अभी एक ने अभी परसों बिहार में ब्रिज गिर गया, तो मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे कि भाई क्या हुआ, नहीं हवा धुंध आई और ब्रिज गिर गया। मैंने बोला तुम आईएएस ऑफिसर हो, ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो कि हवा धुंध से ब्रिज गिर गया। मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही कि हवा धुंध से कैसे ब्रिज गिरेगा। बहुत खुशी हुई आपके काफी रिसर्च का अच्छा काम हो रहा है, और थोड़ा सा मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल प्रैक्टिस है रिगार्डिंग रोड रिसर्च, ब्रिज रिसर्च, अभी ये आपने, आपको याद होगा नेशनल हाईवे पर मुंबई गोवा रोड पर एक सावित्री नदी पर पुल था, ऐसे ही उसका कुछ हुआ नहीं, पुल गिर गया बाढ़ में और 100-125 लोग मर गए, पानी में बह गए। फिर 6 महीने में ब्रिज वो बनाया हमने, पर लोग गए वो चले गए। अब मैंने एक ब्रिज के लिए पूरा ब्रिज का सर्वे करके कोई 89,000 ब्रिजेस की जानकारी लाई, पर गवर्नमेंट स्कीम में ब्रिज का लाइफ है ही नहीं कुछ। अब जो अंग्रेज है हमारे यहां से गए वो पत्र लिखते हैं कि ये ब्रिज हमने बनाया था, इसका लाइफ खत्म हो गया। तो उनके पत्र आते थे, हमारे यहां न्यूज आती है अखबार में कि ये ब्रिज का डेट खत्म हो गई, अब क्या करना। पर हमारे पास ऐसी सिस्टम नहीं है कि हमारे ब्रिज का लाइफ कितना है, उसका क्या हुआ है, उसका टेस्टिंग हुआ है, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कुछ हो नहीं पाया। और जहां सावित्री ब्रिज के बाद अब लगता है बहुत से ब्रिज गिर रहे, अभी एक ने अभी परसों बिहार में ब्रिज गिर गया, तो मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे कि भाई क्या हुआ, नहीं हवा धुंध आई और ब्रिज गिर गया। मैंने बोला तुम आईएएस ऑफिसर हो, ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो कि हवा धुंध से ब्रिज गिर गया। मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही कि हवा धुंध से कैसे ब्रिज गिरेगा, कुछ ना कुछ गलती होगी। तो मुझे लगता है कि अभी परफेक्शन की तरफ जाते समय विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, यूजिंग ऑफ लो कॉस्ट मटेरियल बट बेस्ट क्वालिटी को तैयार करना, इस पर ही आपका इम्पोर्टेंट रोल है। और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, और थोड़ा सा प्रयोग करेंगे तो गलतियां होती है डॉक्टर साहब, एक करिए, इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड फॉरगिव देम, जो बात वीके सिंह साहब ने कहा। नहीं तो हाँ वही उनको भी, ये जिनको इसका मालूम नहीं है वो सीबीआई और वो कौन सी सीबीसी, वो उसके ऊपर पैरा लिख के बेचती है, तो ऐसे कोई प्रयोग ही नहीं करेगा। आप वना से पीएमओ ऑफिस में है, मैंने बहुत बार ये जो सीबीसी वगैरह लिख के भेजे मैंने उनसे सहमति नहीं जताई। तो आपको मुझे लगता है कि जो प्रयोग करते हैं, जो पहली बार चलते हैं तो गिर तो जाएंगे ना, तो गिरना गुनाह नहीं है। जो प्रयास करेगा उसकी कभी भी परफेक्शन होने तक प्रयास में कभी ना कभी अड़चने आएगी, अगर उसके इंटेंशंस ठीक है तो मुझे लगता है उसको गलती होने के बाद फॉरगिव करना चाहिए, और प्रयोग तभी यशस्वी होगा और अल्टीमेटली सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि विशेष रूप से रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमारी टनल, ब्रिजेस, रोड्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी आपने काफी अच्छे काम किया है, तो मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद दूंगा, और आगे भी आपका हमारे मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये विशेष रूप से बिटुमेन रोड के ऊपर निश्चित रूप से हम भी उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे और आपका सहयोग लेंगे। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, नमस्कार।